जितनी आपको खुशी हो रही है, जितनी आपके वालिदैन को, आपकी फैमिलीज़ को, आपके घर वालों को खुशी हो रही है, आप यकीन जानो उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है, या शायद उससे ज़्यादा हो रही है। मैं आप सबको, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मुझे ये पता चला है कि ये बहुत रिगरस ट्रेनिंग थी 6 मंथ्स की, जिसमें 1100 बच्चे आए और 800 कामयाब होकर आज मेरे सामने खड़े हैं, जिसके अंदर ये 70 के करीब ख़वातीन शामिल हैं माशाल्लाह। बहुत, जब मैं आपकी आज परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे आपके चेहरों पर जो कमिटमेंट नज़र आ रही थी, जो पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, उससे मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर बहुत बहुत हौसला मिला। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये जो एलीट फोर्स है, ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है, जिसमें आज तक माशाल्लाह 70,000 नौजवान जो हैं वो ट्रेन हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियां, अपने फ़र्ज निभा रहे हैं। आज मैं आपके लिए, आपसे इजहार यकजहती के लिए और आपको ये बताने के लिए कि मैं आप ही में से हूँ, मैं आपकी यूनिफॉर्म आज पहन के आई हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है, क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। और आज जब मैं आपको हल्फ लेते हुए सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और मैं समझती हूँ कि चाहे मैं हूँ एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, या आप हों एज एलीट फोर्स के, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है और ये चंद खुशनसीब अफराद के हिस्से में आती है। जब मैं हाई अचीवर्स को इनाम दे रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, उसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। मैं उनको ख़ुसूसी तौर पे शाबाश देती हूँ और मैंने आईजी साहब से कहा कि मैं अपने ऑफिस की तरफ से इनको ख़ुसूसी इनामात जो है कैश प्राइजेस भिजवाऊँगी, ताकि इनको पता चले कि ये जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रही, वो नोटिस हो रही है। मुझे आज ये जान के खुशी हुई कि 860 जवान 6 माह का एलीट कोर्स करके आज पास आउट हो रहे हैं, उसमें जैसे मैंने पहले कहा उसमें 70 ख़वातीन शामिल हैं। और मैं उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को, उन बेटियों को और उनके माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, ख़ुसूसी तौर पर उनके माँ बाप और उनकी फैमिलीज़ को, कि आपने अपनी बच्चियों पर एतमाद किया, उनको मुल्क की खिदमत के लिए आपने वक्फ किया। और मुझे पता है कि ये बच्चियाँ, जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा आपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। ये जो सामने हम दो तस्वीरें देख रहे हैं एलीट फोर्स के नौजवानों की, एक मेरे राइट हैंड साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये शुहदा की तस्वीरें। और आप यकीन जानो कि जब भी मैं किसी शहीद को देखती हूँ, वो चाहे वो किसी भी फोर्स से हो, तो मैं ये दिल में ज़रूर सोचती हूँ कि ये शहादत का जज्बा क्या जज्बा है, जिसमें माएँ वालिदैन अपने बेटों को इस मिट्टी पे कुर्बान होने के लिए मैदान में उतार देते हैं। और वो बच्चे जो जाम शहादत नोश करते हैं, वो नौजवान, वो इस कौम के बेटे सपूत जो नौजवान अपने आप को इस वतन की मिट्टी के लिए हाजिर रखते हैं, ये क्या जज्बा होता होगा। इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। एलीट फोर्स के 85 अफसर जाम शहादत नोश कर चुके हैं,
मैं एलीट फोर्स के शुहदा को और तमाम फोर्सेस के शुहदा को मैं खराज अकीदत भी पेश करती हूँ, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बुलंद तरीन दरजात से नवाजे। शहीद हमेशा, कुरान कहता है कि शहीद ज़िंदा हैं, और वो चंद खुश नसीब लोग होते हैं जिनको मौत के बाद भी ज़िंदगी मिलती है, हमें ख़बर नहीं होती लेकिन वो ज़िंदा हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आईजी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज़ कांटेक्ट रहता है। आईजी साहब एक बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, बहुत कमिटेड आईजी हैं, और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनक्रेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ, और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फ़ोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ, और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, जो बजट उनको चाहिए होगा, आपकी पेशा वराना जो सलाहियतें उनको मजबूत करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब की उसमें कमी नहीं आएगी। और अब जो पुलिस पंजाब की जो सरहदें हैं, वो तीन सूबों की जॉइंट सरहदें हैं, वहाँ पर पुलिस चौकियों पे, चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं, जिसको एलीट फोर्स के नौजवान और हमारी फोर्सेस के नौजवान बड़ी बहादुरी से न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि उनको अवर्ट कर रहे हैं, उनको दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने इनको, इन आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए, ताकि एक तो हर जान मेरे लिए कीमती है, हर बेटे की, कौम के हर बेटी की जान मेरे लिए कीमती है, मैं चाहती हूँ कि अपने फ़राइज़ भी अंजाम दें और अल्लाह ताला आप सबको सलामत भी रखे। तो मैंने इनको कहा है कि लेटेस्ट जो आपका इक्विपमेंट आपको चाहिए वो आप लें। उसमें हमने इनको 8 जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग स्कोप्स जो होते हैं, जिसको रात के अंधेरे में जो दूरबीन होती है देखने वाली, थर्मल इमेजिंग वाले कैमराज मैंने इनको लेके दिए हैं। और मैं इनको ये भी कह रही हूँ कि आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। आखिर में मुझे पता है आप लोग धूप में सुबह से खड़े हो और वेपन्स उठा के खड़े हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो वर्दी आज आपने पहनी है, मैं भी रोज़ वर्दी पहन के नहीं निकलती, लेकिन मुझे ज़िम्मेदारी का, जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो ज़िम्मेदारी का, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। ये वर्दी जो है, ये एज़ाज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। और आज आपने जो ओथ उठाया है, जो हल्फ उठाया है, उसमें आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो वादे इस कौम से किए हैं, इस वतन की मिट्टी के साथ किए हैं, इस कौम के साथ, इस पंजाब की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ आपने किए हैं, वो आपको निभाने हैं। जब आपको कोई मुश्किल दरपेश आए, आपके लिए कोई ऐसा फ़ैसला हो जो मुश्किल हो, तो आप अपने हल्फ की इन अल्फाज को याद करना, ये आपके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा इंशाल्लाह। और मज़लूम की दादरसी, मुझे आज ये खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में यंग, एजुकेटेड, ट्रेंड लोग जो हैं वो फ़ोर्स में शामिल होंगे। आपके इस फोर्स में शामिल होने से एक मुझे तब्दीली नज़र आनी चाहिए। जब आपके पास एक मज़लूम आए, तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर उस मज़लूम की दादरसी करनी है और इंसाफ के साथ खड़े होना है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में चैन से, नींद आराम से, सुकून की नींद सोएंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये स्टेज पे बैठे ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी, आप सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इन ज़िम्मेदारियों में कामयाब करे, अपने फ़राइज़ की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। एक दफ़ा फिर आपको और आपकी फैमिलीज़ को, आपके वालिदैन को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद।
एलीट फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।